मध्य प्रदेश के नागदा में भीमसेना का धरना प्रदर्शन नागदा महापुरुषों की मूर्ति का मामला गरमाया। नागदा में फिर एक बार मूर्तियों को लगाने का मामला गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है। जब भीमसेना भी मूर्तियों के लगाने के मामले में हो रही देरी से नाराज होकर नागदा कन्याशाला चौराहे पर मध्य प्रदेश भीमसेना के पदस्थ सैनिक चौराहे पर पहुंचे और चेतावनी दी, अगर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाने में और विलंब हुआ तो भीमसेना इससे भी बड़ा आंदोलन करेगी और अगर नौबत आई तो पूरा नागदा भी बंद किया जाएगा। हम आपको बता दें कि समाज सेवी अभय चोपड़ा ने मूर्तियों को लगाने की जगह को लेकर आपत्ति लगा रखी है और अब मामला कोर्ट में है। अब देखना यह कि समस्या का निदान किस प्रकार होगा। यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पहले से प्रस्तावित है और यहाँ तक की खरीद की ला आ भी चुकी है, लेकिन प्रशासन उसको लगाने में ढिलाई कर रहा है। और एक और जो मामला था एक साल पहले, यहाँ पे एक बंदा था, एक लड़का नितेश मालवी, उसके लिए भी हम लोगों ने CBI की जाँच पहले भी की थी और आज भी कर रहे हैं। तो नागदा क्षेत्र में जितने भी जो अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचार के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं और भीम आर्मी नागदा में नहीं पूरे देश के अंदर काम कर रही है और जहाँ जहाँ पर भी जनता की आवाज़ को दबाने का काम होगा वहाँ वहाँ भीम आर्मी आकर संघर्ष करेगी, लड़ेगी और सरकार को, जो मुंगी भेरी सरकार है, उसको अपनी आवाज़ पहुँचाएगी। इसके पहले हमारा भूख हड़ताल था आगर में और वहाँ पर भी हम लोगों ने धरना दिया था। 8 दिन तक हम लोगों ने आमंत्रण किया था। हमारे बीच में हमारे बहुत सारे साथी बीमार हुए जिनकी 72 साल उम्र थी, बदल सूर्य मसीह, उनकी तबीयत इतनी सीरियस है कि अभी भी वो बेड रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तो उसका नाम नहीं रखा। तो हम लोग जहाँ जहाँ भी अत्याचार होंगे वहाँ पर हम लोग खड़े रहेंगे और जनता के साथ और जनता की लड़ाई लड़ेंगे। भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने भी देखा होगा आपने, राजस्थान के अंदर बंद किया था 1 अगस्त को, वहाँ पर जो चूरू के अंदर जो घटना हुई थी, बहन के साथ रेप हुआ था, तो सभी जगह हम लोग लगे हैं। अगर शासन प्रशासन आपकी बात अगर नहीं मानता आज तो आप अगला आपका कदम क्या होगा? नागदा बंद करेंगे अगली बार हम। नागदा बंद करेंगे अगर सरकार ने अगर हमारी बातें नहीं मानी तो नागदा बंद करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।